मैं आपको सूजी का हलवा बनाना सिखा रही हूँ। नवरात्रे आने वाले हैं गाइस, सूजी और बेसन का हलवा बनाएंगे। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें आधा कटोरी देसी घी डाल दिया है। देखिए गाइस, घी हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। तो गाइज मैंने इसमें आधा कटोरी सूजी डाली है और गाइज इसमें हम एक चम्मच बेसन डाल देंगे। सूजी का जो हलवा बनता है उसमें जब हम बेसन डालते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। और इसको अब हम बिल्कुल सिम आंच पर सेक लेंगे। जब ये सिक जाएगा तो इसका घी अलग हो जाएगा और सूजी अलग हो जाएगी और घी ऊपर तैरने लग जाता है जब आटा या सूजी हमारी सिक जाती है। तो गाइज इसको हम सेक लेंगे और इसको सिकने में आधा कटोरी सूजी को सिकने में 6-7 मिनट लगेंगे। और इसको सिकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। देखिए गाइज सिकना शुरू हो गया है ये और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसी तरह से धीमे आंच पर सेकेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको सेकेंगे। एक साइड मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। सूजी हमारी सिक गई है और पानी गर्म हो गया है। ये देखिए आँच को थोड़ा मैंने तेज कर दिया है और सूजी से 4 गुना पानी डलता है। अगर आधी कटोरी सूजी हमारी तो 2 कटोरी इसमें पानी डलेगा, 4 गुना पानी डलता है सूजी में। तो भाई ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। तो भाई चीनी इसमें जितनी हमने सूजी डाली है उतनी चीनी डलेगी, तो आधा कटोरी हम इसमें चीनी डालेंगे। ये देखिए गाइस पानी सूजी ने पूरा सोख लिया है और हमारा पानी बिल्कुल कम हो गया है और एकदम गाढ़ी सूजी हो गई है। इस स्टेज पर हम चीनी डालेंगे। आधा कटोरी चीनी डाली थी गाइस और वीडियो स्किप हो गया है तो आप डाल लेना। सूजी का हलवा बन गया है और अब गैस को बंद कर देंगे। और अब हम इसको ये सूखा नारियल है इससे सजा देंगे। इसमें चाहे तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं बट मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। ये देखिए गाइस कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं।